थोड़ा सी मोड हार्ट ब्रेक कह दोगे ना, मैं अज्यूमिंग यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनका एक बार तो दिल टूटा ही होगा. हाँ, कॉमेडी का ऑडियंस बनता ही ऐसे. हाँ हाँ, वो कह रही यस यस. एक बार लोग मुंह के बल गिरते बताए, अब जिंदगी पे हंसना सिखा दो हमें, वी अप्रिशिएट ह्यूमर नाउ. Like your first heartbreak, guys, is such a rich experience, okay? आप कितना कुछ सीखते हैं. आप सीखते हैं कि दौड़ के बहुत अच्छा लगता है. हाँ हाँ, आप सीखते हैं कि मेडिटेशन भी एक चीज होती है. हाँ हाँ, उसकी भी एप्स आती हैं. हाँ हाँ हाँ, आप सीखते हैं कि बाल कटा के गेट ओवर कर सकते हैं. हाँ और दिस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दैट यू कैन गेट ओवर वन एंटायर पर्सन, हाँ, कि जिसके बिना आपको लगा था आप जी ही नहीं पाएंगे. हाँ, 3 महीने की कसरत के बाद. हाँ यू लाइक यूज की आवाज कितनी क्रिंज थी यार. हाँ, मैं सुननी कैसे रही थी. लाइक यू डिस्कवर योर ओन शैलोनेस. ओके, इट्स सो एम्पावरिंग. बाय द टाइम योर सेकंड हार्ट ब्रेक हैपेंस, यू हैव ऑल द टूल्स एंड इन्फॉर्मेशन. ओके, आपको सब पता है कैसे करना है. द ओनली थिंग यू लर्न इज कि लाइफ बार बार काट के जाएगी. हाँ हाँ, ये लगा रहने वाला है. There is no end to it. Guys, by the time you reach where I am in life, now heartbreak is not an event, it's a lifestyle. Yeah. Can't afford to get my hair cut anymore, okay, at this frequency. Na baal bachega na paisa. But I actually know better now, okay? I can tell you with confidence, for example, कि लोग गलत नहीं बोलते. जब वो बोलते हैं कि दिल टूटे ना, so the best people to talk to are your female friends, right? हाँ, because दुनिया हमें औरतों को देती है इजाज़त, okay? अपने आप को express करने की, vulnerable होने की, एक दूसरे को कंधा देने की. I know if I call up my female friends, उनके पास script ready होगी. हाँ उनके पास स्क्रिप्ट रेडी हो गई, उन्हें कॉन्टेक्स्ट जानने की जरूरत भी नहीं. इनफैक्ट वो कुछ सुनेंगे भी नहीं. हाँ, अब लोग तू भाई मेरी बात सुन, तू पहले मेरी बात सुन. पहली बात तो ये कि हमें ये सोचना ही नहीं है कि उसने तुझे डंप किया. हाँ That's not the version we'll go for. In a way, देखा जाए तो he had it coming. उसकी तो औकात ही नहीं दे रहे लायक. हाँ, और वो जो नई लड़की उसकी लाइफ में आई ना, उसके तो दांत देख कितने खराब है. हाँ, चुड़ैल लगती पूरी चुड़ैल. It's all of which is a lie, okay? तुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यही तो सुनना था मुझे. हाँ, people to talk to, okay? If you don't have access to Saheli's, are your guy friends, right? Not very useful, but functional. Kaam chal jata. If I call up my guy friend and cry, kad gaya phir se. They'll be like, theek hai yaar. Kya hi kar sakte hai? अबे तेरी गलती नहीं है यार. है बोला तो था आदमी लोग को पसंद होती अंगर लड़कियां. अबे नहीं नहीं, इसलिए नहीं कि हॉट होती हैं, दिमाग कम खराब करती है ना. अबे डी यार, पर तेरा भी हो ही जाएगा. है नहीं भी होगा तो मरना ही तो है सबको एंड में. ऑडली पैसिफाइंग, मरना ही तो एंड में. I have discovered, guys, through my adventures, that the worst person to talk to in a situation like this is your sibling, okay? Bhai ya behan, huh? Huh? Dunya kabhi recommendation degi bhi nahi ki dil toote to bhai kandhe pe ja ke ro, huh? But sometimes you just cannot help it. Like, I live with my brother now, okay? Most recently, I had a heartbreak. Main apne drawing room phail ke ro rahi thi, huh? Mera bhai football khel ke wapas aa gaya. Main kaha, phir se pad gayi la. कहता तुम हो ही इसी लायक. हाँ, ऐसे क्यों बोल रहे हो?
सुबह उठ के अपनी चाय तो बना नहीं पाती हो ठीक से, नहीं कूड़ा भी रात में रोज हम ही बाहर रखते हैं, प्यार चाहिए इनको। मैं बदला क्यों ले रहे हो यार? But guys, we have to agree that heartbreak is still such an easy problem to solve for your friends, right? When you are younger, okay, when you are 20s, okay, आपके दोस्तों के ना problem इसी ball park में रहते हैं कि किसी का दिल टूट गया, किसी की पसंद की नौकरी नहीं लग रही है, उसका metabolism कितना high चलता है, मैं तो पानी पी के फूल जाती हूँ, हाँ सबका सबका यही लगा रहता है guys, सबको पता है। But it gets trickier as you grow older, okay? Like, I have seen that as me and my friends, we crossed our 30s, okay? At some point, all of us really prioritized what we wanted in life, okay? Like, hame life mein ye chahiye. We really went after it. And now we're at a life stage where all of us have exactly what we wanted, okay? And now all of us are equally unhappy, okay? Jisko phone kar, wo cope hi kar raha hai zindagi ke saath, yaar. Aisa kaise ho sakta, yaar? सुबह उठ के चाय पी रहे हैं, फिर दिन भर अपना मूड ही मैनेज कर रहे हैं, ये क्या बकचोदी चल रही है? I went to meet this friend, okay. This is so much a generic. I went to meet with this friend, okay. She is like, आजकल मैं रोज शाम में सेंटेड कैंडल्स चला के बैठती हूँ, हाँ लोगों ने कहा है अरोमा थेरेपी करना चाहिए, इससे बहुत अच्छे पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, हाँ लाइफ बहुत बेटर होती, तुम भी ट्राई करो। हाँ मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहती दो दिन रुको हो जाएगी। हाँ लाइफ इज लाइक दैट ओनली। कॉल्ड अप अनदर फ्रेंड, शी इज लाइक तुमने मंडला आर्ट ट्राई किया है? हाँ किताब के अंदर रंगोली बना होता है, हाँ उसको स्केच पेन से भरते हैं, हाँ भरते भरते सारे आंसू सूख जाते हैं, हाँ तुम भी ट्राई करो। एंड एट दिस पर्टिकुलर टाइम इन लाइफ, ओके आई वॉज फीलिंग वल्नरेबल, मैंने ट्राई किया और मुझे अडिक्शन ही हो गया गाइस। हाँ मैं 10-12 किताबें तो ऐसे ही भर डाली, हाँ बहुत आंसू सुखा लिए मैंने, हाँ हाँ। और फिर दुकान पे जाके भैया कह रहा हूँ भैया मुझे आर्ट कॉपी दो, आर्ट बुक दो, पेंसिल कलर दो, क्रेयॉन्स दो, स्केच पेन दो। भैया कह रहे मैडम आपके घर में बच्चा बच्चा हुआ है क्या? हाँ मैंने कहा जी नहीं भैया ये सब मेरे लिए है। कहते हैं मैडम सामान रख लीजिए पर दिमाग के लिए कुछ और भी कर लीजिए, हाँ हाँ इससे तो हो नहीं पाएगा आपका मैनेज।